अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का दम बिरयानी। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले ली थी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसी में आप लोग पाउडर मसाले देख लेंगे। एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले ली थी, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर ले लेंगे, गरम मसाला ले ली थी, फूड कलर ले ली थी मैंने ऑरेंज कलर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, एब्रिस का लाल कलर मिर्ची पाउडर ले ली थी मैंने, और ये काली मिर्च ले ली हूँ, और ये एक चम्मच मैंने तंदूरी चिकन मसाला भी ले लेंगे। ये सब इसमें डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, दही डाल देंगे, एक नींबू निचोड़ देंगे इसमें, आधा चम्मच मिर्ची पिसा हुआ मैंने डाल दूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इसको, आधा घंटा मैरिनेट होने रख दूंगी। मैं मैरिनेट कर ली हूँ, आधा घंटा इसको रख दूंगी। पानी मैंने रख दी थी बॉयल होने चावल रखने के लिए। उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कोथमीर डाल देंगे, दो हरी मिर्ची भी डाल देंगे, इसमें घी डाल देंगे। घी डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावल में, और इसमें नींबू निचोड़ देंगे ताकि चावल अपने खिले खिले बने। नमक इसमें ज़्यादा डालेंगे ताकि इसमें पानी ज़्यादा रहता है इसके मारे। मैंने चावल आधा घंटा भिगा ली थी, बासमती चावल है लंबा वाला, इसमें भी इसको डाल देंगे बस। मैंने बड़े गिलास से दो गिलास चावल ले ली थी, मिक्स कर लेंगे। आधा कच्चा आधा पक्का अपन चावल निकाल लेंगे, देख लेंगे अपन लोग चावल। आप देख सकते हैं आधा कच्चा आधा पक्का है। अब अपन लोग इसको निकाल लेंगे। चावल को मैंने छान ली हूँ, चावल अच्छे से पानी से निथार लेंगे अपन लोग। इसमें बीच में थोड़ा अपन लोग खड्डा कर लेंगे ताकि अपन लोग इसका कोयले का स्मोक दे सकें। ये रख देंगे, उसमें कोयला डाल देंगे, इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, दो पाँच मिनट इसको ऐसी स्मोक होने रहने देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मोक हो चुका है अपना चिकन। अभी ऐसे फ्राई करके खाएंगे ना, वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगा अपन, लेकिन अपन चिकन में बिरयानी बनाएंगे। इस बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक करके अपन लोग तेल में डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे अपन लोग आगे पीछे। चिकन ढक के इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से अपना चिकन एकदम गल जाए। जितना चिकन गला हुआ रहेगा अपनी बिरयानी उतनी मज़ेदार और टेस्टी लगेगी, अम्मी लगेगी। ढक्कन खोल लेंगे अपन लोग, एक एक करके पलट लेंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हो गया है। एक एक करके अपन लोग ऐसे सब पलट लेंगे। इसको भी अपन ढक्कन ही ढक के फ्राई कर लेंगे। ढक्कन खोल के देख लेते हैं अपन लोग। अब देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से गल गया है, हड्डी से अपना छोड़ दिया है चिकन, देख सकते हैं। ऐसे चिकन फ्राई करके इस पे चाट मसाला डाल के खाएंगे ना, बहुत टेस्टी यम्मी लगता है बहुत। अब अपन लोग एक एक करके सब निकाल लेंगे। चिकन मैंने फ्राई करके पूरा निकाल ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है चिकन। कढ़ाई रख दी हूँ, अब तेल डाल दी, उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। इसको अच्छे से थोड़ा सा खुशबू आए तक का फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर ले ली थी टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्ची पाउडर ले लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, जीरा पाउडर ले लेंगे, ये एवरेस्ट की कलर वाली मिर्ची है, एक चम्मच मैंने गरम मसाला ले ली हूँ, काली मिर्च पाउडर ले लेंगे। अब इसको सबको अपन लोग डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डाल के जले नहीं मसाला अपना करके पानी डाल लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चिकन फ्राई करा हुआ मैरिनेशन मसाला था वो भी इसमें डाल देंगे अपन लोग, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो टमाटर कट करके डाल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भुने तक का अपन लोग ढक्कन ढक के इसको रख देंगे। ढक्कन एक बार खोल के देख लेते हैं अपन लोग, मसाला अच्छे से भुन गया। इसी में अपन लोग सिलो आँच करके दही डाल देंगे, वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, एकदम अच्छे से भुन गया है। उसी में अपन लोग बिरयानी मसाला डाल देंगे, मैं सुहाना का डाल रही हूँ, आप कोई भी जो आपको पसंद होगा वो डाल दें।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन फ्राई करे हुए थे वो अपन डाल देंगे इसमें। अपन लोग फ्राई करने चिकन फ्राई करने के टाइम भी नमक डाले थे, वो हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए एकदम स्लो आंच पे, ताकि अच्छे से मसाला एकदम चिकन में भीन जाए। बार खोलेंगे अपन लोग। कांदा फ्राई करे हुए थे ना वो इसको क्रश करके डाल देंगे इसमें। कोथमीर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक के 2-3 मिनट और रख देंगे। ढक्कन खोल के अपन लोग देख लेंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चिकन बन चुका है, चिकन बिरयानी का मसाला कितने अच्छे से बन चुका है। इसी में मैं तेल लगा दूंगी। ये जो चावल है इसमें मैं तेल लगा देती हूँ। मसाले में तेल लगा देंगे। देख सकते हैं आप कितना खिला खिला चावल बना है। बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती है और यम्मी भी लगती है। इसी में थोड़ा कोथमीर डाल देंगे, जो मैं कांदा फ्राई करी थी वो डाल देंगे। कलर डाल दूंगी मैं। इनका मसाला गोश्त निकाले थे वो एक तय और लगा देंगे। बोटी हर जगह रखेंगे ताकि निकालने में अपन लोग को पीस आए। इसके ऊपर चावल डाल देंगे अपन लोग। वापिस से थोड़ा कांदा फ्राई करा हुआ डाल देंगे। ये कोथमीर डाल देंगे। ये जो कलर है वापिस अपन लोग इसमें ऐसी डाल देंगे। इसको 10 से 5 मिनट अपन स्लो आंच पे रख देंगे, चावल एकदम अच्छे से अपना दम हो जाए, ताकि इसकी खुशबू एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार ढक्कन खोल के देख लेते हैं। एकदम अच्छे से बिरयानी हो चुकी है, चावल भी अपना गल चुका है। देख सकते हैं आप। अब अपन लोग ऊपर नीचे कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बना है ये। अब मैं आप लोग को सर्व करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली बिरयानी बनी है अपनी, है ना। बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी, इस तरीके का बनाएंगे अपन लोग। और बहुत मज़ा भी आता है खाने में। इसकी पीस है ना एकदम बहुत अच्छी लगती है खाने में। एकदम एक फ्राई करी हुई भी रहती है, मसाले में भी भीनी हुई है, इससे बहुत यम्मी लगता है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है ये बिरयानी। एकदम गरम गरम है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से गल चुकी है ये। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से गल चुकी है बिरयानी। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगती है ये बिरयानी। अगर आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।